नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। इस कहानी में एक संदेश छिपा हुआ कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो उसका फायदा तीसरा उठा लेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आज की कहानी से यही हमें सीख मिलती है, इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक सुंदर नगर था, उसमें दो बिल्लियां रहती थी, सीता और गीता, और दोनों मिलजुल करके रहती थी। अच्छी सहेलियां थी, सब कुछ वो दोनों एक साथ करती थी। जब वो खाना ढूंढने जाती थी तो भी एक साथ जाती थी, और जो भी मिलता था वह मिल बांट करके खा लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि सीता और गीता खाने की तलाश में इस घर से उस घर, उस घर से उस घर निकल पड़ी। दोनों को बहुत देर से खाना नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने एक खिड़की में से देखा कि एक महिला बहुत अच्छे अच्छे पराठे बना रही है, पनीर के पराठे थे वह। सीता और गीता दोनों ने देखा कि उस महिला ने पराठे बनाए और उन्हें डब्बे में पैक कर लिया, लेकिन जो लास्ट वाला पराठा था उसे तवे में ही छोड़ दिया कि वह सिक जाएगा, और वह गैस बंद करके दूसरे कमरे में चली गई। सीता और गीता दोनों के मुंह में से लार टपक रही थी कि कैसे ये लजीज पनीर का पराठा उन्हें लग जाए और उसे खा करके वो अपनी भूख मिटा ले। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। सीता बोली, मैं जाती हूँ अंदर, पराठा लेकर के आती हूँ, और तू यहीं पर देखना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझसे इशारा कर देना, मैं भाग आऊंगी। और सीता गई, इधर उधर देखा, महिला अंदर गई थी दूसरे रूम पर, और वह किचन में से पनीर का पराठा उठाया और वहां से निकल गई। दोनों उस घर से दूर आ गई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी कि अब हम इस पराठे को आधा आधा कर लेते हैं, आधा तो खा लेना, आधा मैं खा लेना। सीता ने पराठे के दो टुकड़े किए, लेकिन गीता बोलती है कि तुमने जो लिया है वह टुकड़ा बड़ा है, और जो मुझे दिया है वह टुकड़ा छोटा है। सीता ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बराबर किया है, तुम ही देख लो। उसने बोला, नहीं नहीं, तुम्हारा वाला बड़ा है और मेरा वाला छोटा है। और दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, और पेड़ के ऊपर एक चतुर बंदर उन दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो बड़े मजे ले रहा था। उसे भी बहुत जोरों से भूख लगी थी, उसे भी लग रहा था कि यार ये पराठा मुझे मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं, और पनीर का पराठा और बहुत बड़ा पराठा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, बड़ा स्वादिष्ट भी होगा। और यहाँ पर दोनों सीता और गीता आपस में लड़ाई कर रही थी, और बंदर के दिमाग में कुछ सूझा, वह गया और जाकर के उसने पूछा, नमस्ते देवियों। उन्होंने बोला, नमस्ते, आप दोनों बहुत अच्छी सहेलियां लग रही हो, लेकिन आप दोनों आपस में लड़ क्यों रही हो? तो सीता ने बोला, देखो हमारे पास एक पराठा है और हम इसे आधा आधा कर रहे हैं, लेकिन ये गीता बोल रही है कि तुम्हारा वाला बड़ा है, मेरा वाला छोटा, अब तुम ही देख करके बताओ कि ये कैसे छोटा है और बड़ा, जबकि मैंने इसे तो बराबर काटा है। बंदर ने बोला, दिख तो छोटा बड़ा रहा है, मैं एक काम करता हूं, आप लोगों ने तराजू सुना होगा, तराजू, मैं बनिए के यहां से तराजू लेकर के आता हूं, और उसमें आधा इधर आधा उधर कर देंगे, और उसको फिर हम तराजू से बराबर बराबर बांट दूंगा, और फिर दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, और फिर खा लेना। उन्होंने बोला, ठीक है, हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा। बंदर मामा भाग करके गया बनिए के पास में, और उससे बोला, सेठ जी मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी तराजू दे दो, मुझे कुछ काम है। सेठ जी ने बोला, ठीक है ले जा। बंदर मामा तराजू लेकर के आ गए सीता और गीता के पास में, और सीता और गीता के पास में पराठा लिया और उन्होंने तराजू में डाला। अब बंदर मामा तो चलाक, उसकी लार टपक रही थी कि कब उसे ये पराठा खाने को मिला, और उसने तराजू लिया, एक टुकड़ा इसमें डाला, एक टुकड़ा इसमें डाला, और उसने तराजू ऊपर की, और एक पल्ला थोड़ा सा झुका हुआ था, थोड़ा सा टुकड़ा ज्यादा था, तो उसने उसमें से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा काटा और गप से खा गया। फिर उसने तराजू उठाई, फिर देखा दूसरा पल्ला भारी हो गया, तो उसमें से तोड़ा और फिर खा गया। और दोनों बिल्लियां एक दूसरे को देख रही थी,
यार ये बंदर मामा टुकड़ा निकाल रहा है और खा रहा। और फिर बंदर मामा ऐसे करता रहा, कभी राइट पल्ले से टुकड़ा काट करके खाता, कभी लेफ्ट पल्ले से, लेफ्ट राइट करते करते बंदर मामा ने पूरा पराठा खा गया। और दोनों बिल्लियां आपस में देखती रही। जब पूरा पराठा खा लिया, कुछ नहीं बचा, तो बंदर मामा ने बोला, अब हो गया हिसाब किताब, पराठा खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, अब मैं चला ये तराजू सेठ को देना। और वह सेठ को लेने देने के लिए निकल पड़ा। अब दोनों बिल्लियां आपस में देखा और उन्हें गलती का एहसास हुआ कि यार हम दोनों की लड़ाई में इस बंदर मामा ने फायदा उठा लिया और पूरा पराठा खुद ही खा लिया और हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। अब वो समझ गई कि अगर हमारी आपस में फूट नहीं होती, हम आपस में लड़ते नहीं, बंदर उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए सीता और गीता ने फैसला लिया कि अब हम कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और अगर लड़ाई करेंगे भी तो आपस में ही हम एक दूसरे को सुलझा लेंगे, किसी तीसरे को उसमें नहीं घुसने देंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसे एक दूसरे के साथ मिल बांट करके खाना चाहिए। कभी कभी आपस में बांटने में कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है तो उस मायने नहीं रखता। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।